बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप तमाम तर व्यूवर्स खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आप सब को खुश रखे। तो अजीज़ तलबा, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने जा रही है। रिसेंटली बहुत ही बड़ा फैसला यहाँ पर आ चुका है। तलबा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बार बार मुझे कमेंट भी कर रहे हैं, मैसेज यही आ रहे हैं तलबा के एग्ज़ाम प्रमोशन के पॉइंट से। रिसेंटली NCOC की जानब से बड़ी मीटिंग के में अंदर जो एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है एग्ज़ाम कैंसलेशन के ऊपर, एग्ज़ाम प्रमोशन के पॉइंट व्यू से। तो अजीज तलबा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं एग्जाम प्रमोशन के पॉइंट व्यू से। आप जितने भी परेशान हो रहे हैं, आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिसेंटली बहुत ही बड़ा फैसला यहां पर आ चुका है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको तफसीलन डिटेल से बताऊंगा। वीडियो आखिर बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने जा रही है, वीडियो को आपने देखना है विदाउट स्किप किए। खैर, वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले तमाम तौर व्यूवर्स वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर लें। लाइक के आपके कोई भी पैसे नहीं लगने वाले, थोड़ी सी हौसला अफजाई होगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में खड़ी घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर कर लें, ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता हूँ तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और आप वीडियो को देख पाएंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं, पहले कराची और सिंध के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया और कराची और सिंध में फौरन से पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया वैकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहां पर वबा के केसेस काफी शिद्दत से इंक्रीज हो गए थे। लेकिन अब दूसरे इजला में और दूसरे सूबों के अंदर भी यही सूरत हाल और कंडीशन जो है नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये फैसले लिए जा रहे हैं। तो एक तो मेरी आप तमाम तो स्टूडेंट्स के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दिल से दुआ है कि आप अपनी ज़िंदगी की हर नई ख्वाहिश में सक्सेस हासिल करें, स्पेशली एग्जाम में आपके एक ग्रेड प्लस मार्क्स लगाकर आपको प्रमोट कर दिए। तमाम तो व्यूवर्स, तमाम तो स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखेगा। मैं क्यों इतना बड़ा आलिम तो नहीं हूँ, हो सकता है किसी नेक्स्ट स्टूडेंट्स के आमीन लिखने से मेरी दुआ कबूल हो जाए और इंशाल्लाह मेरी दुआ ज़रूर कबूल होगी। तो जी हाँ, बिल्कुल, आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबर से मैं आपको आगाह करता चलूँ। रिसेंटली बहुत ही बड़ा फैसला यहाँ पर सामने आया वैकेशन और एग्जाम कैंसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले आप जानते हैं कि सिंध के अंदर और उसके बाद कराची में लॉकडाउन लगाया गया और वहां पे एग्जाम जो है वो पोस्टपोन यानी कि मंसूख कर दिए गए हैं। अभी बहावलपुर के अंदर और बहावल नगर के अंदर यूनिवर्सिटी तलबा ने भी एहतजाज जो है वो शुरू कर दी है। उनका यह कहना है कि हमारे जो एग्जाम है वो ऑनलाइन कंडक्ट किए जाएंगे, क्योंकि हमारी प्रिपेयरिंग ऑनलाइन हुई है, हमारी स्टडी ऑनलाइन हुई है, तो फिजिकली हम प्रैक्टिकली अमली इम्तिहान नहीं देना चाहेंगे। तो तलबा ने बहुत ज्यादा बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी की हुई है और एहतजाज कर रहे हैं और लोगों को आगे कहीं भी जाने नहीं दे रहे, ट्रैफिक वहां पे काफी ज्यादा जाम। तो अजीज तलबा, ये भी आप जान ले, मैं आपको यहां पर क्लियर बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से जो बड़ी खबर यहां पर आई है एग्जाम प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले ऐसा नहीं था कि एग्जाम पोस्टपोन किए जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वबा के केसेज इंक्रीज होने की वजह से जो है मनसूख कर दिए गए हैं। सिंध और कराची में इम्तिहान, बाकी तमाम तर जो सूबे हैं उसके अंदर भी तमाम तर वजीर तालीम जो हैं और NCOC जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गौर व फिक्र कर रही है और जल्द ही अब आपके लिए बहुत ही बड़ा फैसला लिया जाएगा, जो जल्द ही मैं एक वीडियो के जरिए आपको मैसेज दे दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।